नमस्कार दोस्तों, स्टडी सर्कल मुरैना यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विवेक अजय आप सभी लोगों के लिए मध्य प्रदेश राज्य की ओर से एक और नई वैकेंसी का अपडेट लेकर आया हूं, जो कि निकाली गई है आरसीएफ डिपार्टमेंट की ओर से। आरसीएफ डिपार्टमेंट की ओर से काफ़ी सारे पदों पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसमें डिग्री डिप्लोमा वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी अपनी बीएससी पास कर ली है वे सभी लोग इसमें अपने फॉर्म भर सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए यानी कि आरसीएफ डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी है इसमें फॉर्म भरने के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो 10 अप्रैल 2019 रखी गई है। यानी कि 10 अप्रैल 2019 से पहले पहले आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। बहुत ही कम समय है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो यदि आप इस योग्यता को धारण करते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए जरूर आवेदन कीजिएगा। तो आइए इस पूरी वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं संपूर्ण जानकारी। तो आप सभी लोगों से गुजारिश होगा वीडियो के अंत तक देखते रहिएगा ताकि आपको सही जानकारी और संपूर्ण डिटेल्स प्राप्त हो सकें। साथ ही आपसे गुजारिश होगा कि तुरंत हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाए, जिसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जहां पे आपको सभी महत्वपूर्ण विजुअल्स जॉब्स के अपडेट साथ साथ सभी महत्वपूर्ण किताब्स के पीडीएफ भी मिल जाएंगे, जो कि आपको परीक्षाओं में बहुत ही फायदा पहुँचाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो वैकेंसी निकाली गई है ये लिमिटेड की जॉब हैं। अगर मैं आपको पूरी बात बताऊं तो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड की ओर से वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसमें आपकी जो वैकेंसीज हैं टोटल 50 अपर ट्रेनी की वैकेंसीज इसमें निकाली गई हैं। अब बात करते हैं कौन कौन इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो उससे पहले आप सभी लोगों से गुजारिश होगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो पर लाइक का एम रखा गया है 1000 लाइक का। और आप सभी लोगों से गुजारिश होगा कि इसी प्रकार की लेटेस्ट जॉब्स के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का निशान प्रेस कर दें ताकि आपको सभी प्रकार की जॉब्स के अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मैं आपको अगले बता दूं कि इसमें जो योग्यता मांगी गई है वो बीएससी की डिग्री या फिर डिप्लोमा यदि आपके पास है तो आप आरसीएफ डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आगे जब बात करें पदों की संख्या की तो टोटल 50 पदों पर वैकेंसी निकाली गई हैं, जो कि सारी अपर ट्रेनी की पोस्ट हैं। आगे बात करें कि जो इसकी डिटेल्स है इसमें आपको बता दूं कि 20 मार्च 2019 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ करा गया है और 10 अप्रैल 2019 को अप्लाई करने की है लास्ट डेट। अप्लाई कर सकते हैं आप 25 मार्च से इसके आवेदन भरना शुरू हो जाएंगे। अभी इसके आवेदन शुरू नहीं हुए हैं, 25 मार्च से इसके आवेदन शुरू होंगे। आगे यदि मैं आपको बता दूं कि इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है तो एज लिमिट के लिए यदि आप अधिकतम 27 वर्ष तक हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे और जो भी आपको इसमें छूट दी जाएगी वो आपकी कैटेगरी के हिसाब से दी जाएगी, जो भी नोटिफिकेशन में जानकारी दी है। नोटिफिकेशन की बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, जो कि नीचे दिया है। साथ ही बात करें सिलेक्शन आपका आरसीएफ डिपार्टमेंट में किस आधार पर होने वाला है तो पहले आपका लिखित एग्ज़ाम, ट्रेड टेस्ट, उसके बाद आपका प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। इसके आधार पर आप लोगों को आरसीएफ लिमिटेड में आपको जॉब मिलेगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको जो सैलरी मिलने वाली है आरसीएफ लिमिटेड में आपकी जो सैलरी रहेगी वो 22,000 से लेकर 60,000 तक की आपकी सैलरी रहने वाली है। आगे बता दें कि आवेदन आपको किस प्रकार से करना है तो आवेदन करने के लिए 25 मार्च से इसके फॉर्म भरना शुरू होंगे, टोटल ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। आगे मैं आपको बता दूं कि आवेदन फ़ीस कितनी है तो जनरल और ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको 500 रुपये की फ़ीस देनी है और एस सी एस टी के लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। बात करें कि अप्लाई कहाँ से करना है, कहाँ से मिलेगी इसकी लिंक, तो ये वाली लिंक आपको देंगी महत्वपूर्ण लिंक कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है और कहाँ मिलेगा इसका आपको नोटिफिकेशन। तो जैसे ही आप इसकी जो लिंक है जहाँ पर ये लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा। साथ ही आपको जो ऐप अप्लाई करने की जो लिंक है वो भी मिल जाएगी। तो एक बार मैं आपको दिखा दूं कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वैकेंसीज़ की जानकारी दी है। यहाँ पर जिस वैकेंसी की आज हम बात कर रहे हैं वो वैकेंसी है ये वाली, इसकी जो डेट है वो 25 मार्च 2019 से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यहां से आप इनकी जो जानकारी है वो डाउनलोड करके इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी वैकेंसी की जानकारी कि कहां से आप आरसीएफ डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ये थी पूरी संपूर्ण जानकारी। इसी प्रकार की सभी वैकेंसी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी वैकेंसी के अपडेट आप मिस नहीं करना चाहते तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आप सभी लोगों के साथ साथ उन लोगों का भी फ़ायदा हो सके।